सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जूलॉजी बायोलॉजी और साथ ही साथ इस डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में आपको ट्रांसलिकेशन और कैप्सिटेशन होने वाला है क्रिस्टल क्लियर। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन अगर वर्ड की हम एनाटॉमी करके देखें तो इसका मतलब क्या बनता है, हमारा चेंज इन लोकेशन। किसी भी चीज़ की लोकेशन का चेंज होना उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे इजैकुलेशन के बाद जो आपके वजाइना में सबसे पहला प्रोसेस होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्म है वो वजाइना रीजन से आपको जो फर्टिलाइजेशन साइट है विच इज द एम्प्लोरी रीजन वहाँ तक चला जाता है, ओविडक्ट के एम्प्लोरी रीजन तक, ठीक है। तो ये किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसमें भाई कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है ना। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कोई भी अपने स्कूल में पेपर में एग्जाम क्लियर किया तो उसमें आपका भी रोल है, आपके जो टीचर्स है उसका भी रोल है, आपके पेरेंट्स का भी रोल है, हर चीज़ का रोल रहता है आप किसी भी चीज़ को सक्सेस होने में, है ना। तो सिमिलरली इसमें क्या क्या रोल होता है, सबसे पहले आपका जो यूट्राइन मसल्स है उसका सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो इसमें, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो कंटिन्यूसली जो है कंस्ट्रक्शन करता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है जिससे जो आपका स्पर्म है वो आगे अपवर्ड पुश होता रहता है। इसके वजह से क्या होता है, जो आपका स्पर्म है वो वजाइना रीजन से विद इन द 30 मिनट्स आपको ओविडक्ट जो एम्प्लोरी रीजन है वहां तक पहुंच जाता है, ओविडक्ट तक पहुंच जाता है एटलीस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी क्या है, आप खुद से पढ़ते हो ना तो वही है, जो स्पर्म है उसके पास फ्लैजिला होता है वो उसको कंटिन्यूसली हाई स्पीड में मूव करता रहता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है वो आगे ओविडक्ट तक जाने के लिए कैपेबल हो पाता है। ऐसा तो नहीं खाली टीचर पढ़ा रही है, जब भी आप कुछ करोगे जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तीसरी चीज़ क्या होती है, आपका स्पर्म का रियोटैक्सिस। अभी रियोटैक्सिस किस बेला का नाम है, रियोटैक्सिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के कोई भी ऐसा फ्लो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाना। जैसे भी कोई भी स्पर्म है वो जब ओवम के पास जाता है तो कंटिन्यूसली सिक्रीशन होती रहती है आपके ओवम से भी, और जो ओविडक्ट है वहाँ से भी सिक्रीशन आती रहती है, मतलब उसको डायरेक्शन देते रहते हैं कि इस साइड आना है इस साइड आना है, ठीक है, रास्ता बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका स्पर्म है वो कैसे फील कर पाता है, भाई जो डायरेक्शन आ रही है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, जो आपका स्पर्म है वो अपवर्ड जा रहा है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं जो भी सिक्रीशन होती है वो तो डाउनवर्ड हो रही है। तो इसी सिग्नल को सेंस करता है आपका स्पर्म, सेंस करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगर जो सिक्रीशन इस साइड से है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर जैसे सिक्रीशन तो डाउनवर्ड हो रही है तो स्पर्म का डायरेक्शन जो होता है अपवर्ड होता है। तो उन सारी सिग्नल्स को जो है आपका स्पर्म वो सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता है कि सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, उसको किस तरीके से मूव करना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे ट्रांसलोकेशन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं हम कैप्सिटेशन के बारे में, ठीक है। तो कैप्सिटेशन क्या है, ये एक नेचुरल अकरिंग फेनोमेना है जो होता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। और किसके साथ होता है, ये होता है बेचारे स्पर्म्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें अगर किसी भी स्पर्म को फर्टिलिटी गेन करनी है, उसको ओवम को फर्टिलाइज करना है, तो भाई उसको कैप्सिटेशन करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर कैप्सिटेशन नहीं होता तो कोई भी स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, वो फर्टाइल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो होगी एक खूबी कैप्सिटेशन की, ठीक है। वो फर्टिलिटी देता है भाई, बेचारे स्पर्म्स को बांटता रहता है, लो जी तुम भी ले लो, लो जी तुम भी ले लो, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई, सबको पता है यार, अगर कैप्सिटेशन नहीं हुई तो आपका जो स्पर्म है उस करते हुए जाएगा तो वो लेगा 5 to 7 days, ठीक है। एक अनकैप्सिटेटेड स्पर्म लेगा 5 to 7 days। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई कैप्सिटेटेड स्पर्म है, किसी ने कैप्सिटेशन करवाया है, वो विद इन फ्यू आवर्स 2 से 3 घंटे लेगा और आगे जाके वो ओवम के पास जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। तो इतना आपको इससे ये बात समझ में आ गई, जो आपका स्पर्म है उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो 5 to 6 days तक अलाइव रह सकता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो ओवम है वो तो 24 आवर्स में डिजेनरेट हो जाता है। सपोज कीजिए जिस दिन इजैकुलेशन हुआ उस दिन आपका ओवम भी रिलीज हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का कितना अच्छा चांस था। बट अगर इस स्पर्म ने कैप्सिटेशन ही नहीं करवाया तो यार फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो 5 to 7 days लगेगा जब तक आपका ओवम हो गया डिजेनरेट। अगर इजैकुलेशन के सेकंड डे भी ओवम रिलीज होता है जब भी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि 5 to 6 days लेगा फर्टिलाइजेशन के लिए और ओवम तो रिलीज हो गया अभी। तो इस तरीके से क्या, ओवम है उसके जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन, जो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं अगर कैप्सिटेशन नहीं है। और आप ये देखिए, अगर किसी ने स्पर्म ने कैप्सिटेशन करवा दिया तो वो जिस टाइम इजैकुलेशन हुआ तो उसके कुछ घंटों बाद वो ओविडक्ट में बैठ रहेगा, ठीक है। अगर वो 5 days तक अलाइव भी रहते हैं, कुछ परसेंट जो होते हैं स्पर्म वो 5 days तक अलाइव भी रहते हैं, तो क्या हो रहा है, वो वेट कर रहे हैं ओवम का। ओवम आएगा तो फर्टिलाइज कर देंगे फौरन। अगर जब फर्टिलाइजेशन जो कैप्सिटेशन ही नहीं हुई तो ओवम जो रिलीज हुआ हुआ था वो भी डिजेनरेट हो गया, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर आपका कैप्सिटेशन जो है नहीं रहा। तो अब मुद्दे की बात करते हैं, जो हमारा कैपेसिटेशन है वो 3 पार्ट होते हैं उसके। सबसे पहला जो होता है आपका, एक होता है इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है जो कार्बोहाइड्रेट और ऐसे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट वो लॉस किए जाते हैं। तीसरा होता है वो आपका हाइपरपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा वाला पढ़ते हैं, बताओ कौन सा पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप ये क्लियरली डायग्राम देख रहे हो, पहले इसको अच्छे से देख लो, ये सारे जो पंप वगैरह हैं ये सारे हैं, ठीक है।
जो नीचे साइड है वो आपका स्पर्म का साइटोप्लाज्म है, और ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको लिपिड की लेयर, ये आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो आपका यहाँ से जैसी कैपेसिटेशन स्टार्ट होता है तो आपको जो पोटेशियम आयन होता है वो सेल के अंदर से बाहर जाता रहता है, बहुत जाना चालू कर देता है। इस जो आपका सेल होता है इनसाइड वो बहुत ज़्यादा हाइपर पोलराइज हो जाता है। ठीक है, सेल की जो अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब भैया इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, अब ये पोटेशियम आने का नाम नहीं ले रहा भाई, ये भाव आने लग गया। अब इसका काम है तो कह रहा मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं काम नहीं करूँगी, चला गया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने देखा बाहर ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन ना ऐसी बेचारे की तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसने इनसे पूछा, क्या सोचा कि मेरे पास तो कैल्शियम का पंप भी है, जैसे हम कैस्पर कहते हैं, है ना। उन्होंने कहा यार मेरे पास तो कैस्पर भी है जिससे कैल्शियम आ सकता है। तो उन्होंने कैल्शियम से बात करी, क्या तुम अंदर आना चाहोगे, काम करना चाहोगे? तो कैल्शियम ने कहा हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। तो उसने क्या करा, जो कैल्शियम पंप है उसको एक्टिवेट कर दिया, सारा कैल्शियम जो अंदर आने लग गया। अब कैल्शियम जब अंदर आ रहा है तो भाई बाइकार्बोनेट आयन ने देखा, यार ये तो कैल्शियम अंदर जा रहे हैं मुझे मिलेंगे। तो बाइकार्बोनेट ने क्या करा, उसने भी अपनी बेचारे जैसी शक्ल बना ली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वही तरस आ गया, उसने बोला आजा तू भी अंदर आ जा। तो बाइकार्बोनेट और कैल्शियम दोनों अंदर आ गए, इन दोनों ने एक्टिवेट कर दिया आपके सैसी एंजाइम होता है इसमें प्रेजेंट सैसी को। ठीक है, अब ये सैसी क्या करेगा, एटीपी को इधर बुलाएगा प्यार से, बेटा एटीपी इधर आ, उसको पकड़ के उसको साइक्लिक एएमपी बना देगा। अगर आपको एएमपी साइक्लिक एएमपी नहीं समझ में आता, आप मेरा लास्ट लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर वो देखिए, उसमें मैंने आपको साफ साफ पूरा एटीपी और साइक्लिक एएमपी जीटीपी के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये सीएमपी क्या करेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट देगा आपके प्रोटीन काइनेज को। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइज कर देगा आपके टायरोसिन काइनेज को, उसका फॉस्फोलाइजेशन कर दिया टायरोसिन काइनेज का। अब ये टायरोसिन काइनेज कहेगा यार ये फॉस्फोलाइजेशन इसने मेरा कर दिया, मैं भी किसी का भला कर देता हूँ। ये जो स्पर्म्स के अंदर प्रोटीन होते हैं उनका फॉस्फोलाइजेशन करवा देता है। ठीक है, अब बाकी सारे प्रोटीन का भी फॉस्फोलाइजेशन हो गया, तो ये तो हो गया आपके स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, इसी को तो हम स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं, जितने प्रोटीन होते हैं आपके स्पर्म में उन सबका फॉस्फोलाइजेशन होना, तो यहाँ पे आपका हो गया स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, तो साथ ही साथ ये जो प्रोटीन काइनेज एक और काम करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देता है आपके जो टायरोसिन काइनेज है उसको फॉस्फोलाइज तो कर देता है, साथ ही साथ ये इनहिबिट करता है फोटोटायरोसिन फॉस्फेटेज को। फॉस्फेटेज को क्यों कर देता है, अगर भाई किसी को ये फॉस्फोराइज कर रहा है, किसी को फॉस्फेट दे रहा है, तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, वो किसी फॉस्फेट छीनना है उसका, उससे छीनने का काम करता है, तो इसलिए उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि जिसको ये टायरोसिन काइनेज को ये फॉस्फेट दे रहा है तो ये जाके उससे फॉस्फेट छीने ना। तो साथ ही साथ ये क्या करता है, उसको इनहिबिट भी कर देता है। तो ये सब तो आपने देख लिया स्पर्म कैपेसिटेशन का एक पार्ट कैसे हुआ। ठीक है, उसी के बाद साथ साथ ये क्या करता है, जो इसी के साथ साथ जो आपका प्रोटीन काइनेज है वो क्या करता है, आपका जो फॉस्फोराइजेशन होता है, दो चैपरोन प्रोटीन होते हैं उनका भी कर देता है। ठीक है, अब ये बोलोगे ये क्या चीज़ यार, ये वो प्रोटीन है ना जो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन में जो जोना पेलोसिलर से इनकी टक्कर होगी ना उसमें हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं उनको भी फॉस्फोराइज कर देता है साथ ही साथ। उनको जब ये फॉस्फोराइज करता है तो उसमें क्या होता है, ये जो आपके जो एक होता है इसमें इज्मो, ये क्या करता है आपका जो सर्फेस होता है हेड का सर्फेस उसके पार उसके आगे जाके लग जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं जो इज्मो है रेड कलर में, ये इज्मो इसके आसपास जाके इसने इसको कवर कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, ये जो आपका इज्मो है ये एक क्रिटिकल प्रोटीन है जो स्पर्म और एग का फ्यूजन करवाता है, ये क्रिटिकल प्रोटीन है। और इज्मो का नाम तो आप एकदम रट लो, क्योंकि मैं आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको इज्मो के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग एकदम रट लो। ये चीज तो हमने देख ली, हाइपरपोलराइज्ड होके सेल का कैसे जाके उसका पोटेंशियल चेंज हुआ, उसके पास उसमें कैपेसिटेशन कैसे हुई। अब बात करते हैं इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिमूवल होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का। सबसे पहले बता दूं होता क्या, जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव हो जाता है आपके जो स्पर्म सेल मेम्ब्रेन है उससे, किसके थ्रू, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के थ्रू, जो फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाता है। ठीक है, अब जो फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म है उसके पास क्या क्या होता है, पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस देखेंगे क्या क्या हो जाता है इजैकुलेशन के बाद। ठीक है, अभी फॉरन जो फ्रेशली इजैकुलेट हुआ है उसके पास क्या क्या होगा, आपके स्पर्म के पास जो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई रहेगा, उसके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एसिमेट्रिकली पड़े हुए रहते हैं इधर उधर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो उसका फॉस्फोलिपिड होता है स्क्रैम्बलेज वो एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्क्रैम्बलेज है वो एक्टिवेट नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो एल्ब्यूमिन का सामना नहीं करता है। ठीक है, उस वक्त जो एल्ब्यूमिन उसके डायरेक्टली सामने नहीं आया हुआ होता है। ठीक है, जो स्पर्म के स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड सेमिनोलिपिड ये सब प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होता है सॉरी, जिसे हम सेमिनोलिपिड कहते हैं, वो कंसेंट्रेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो सेमिनोलिपिड है ये प्रेजेंट होता है, यही क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को अपने पीछे छुपा के रखता है। ठीक है, पूरी मैकेनिज्म समझते हैं कोलेस्ट्रॉल रिमूव कैसे होता है। ठीक है, अब भाई जैसे मेम्ब्रेन ने आपने देखा इतना सारा चेंज हो गया, कैल्शियम आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया और पोटेशियम सारा भाग गया,
ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो लिपिड की ऑर्डरिंग होती है, जो लिपिड बाई लेयर होती है, उसकी ऑर्डरिंग जो है ना फ्लक्चुएट हो जाती है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटेशन हुई, उसमें कैल्शियम वगैरह ये सारे आयंस आ गए, बहुत सारी सेल सिग्नलिंग चली है ना, तो उससे क्या होता है, इसका जो लिपिड ऑर्डरिंग है वो पूरा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका जो स्क्रैम्बलिस प्रोटीन है जो मैंने बताया था इनएक्टिव होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये स्क्रैम्बलिस प्रोटीन क्या है आप बताओ? स्क्रैम्बलिस में ऐसे प्रोटीन है जो आपके जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसका ट्रांसलोकेशन करवाते हैं, आपके जो मेम्ब्रेन होता है ना, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो आपका फॉस्फोलिपिड है उसका ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। ठीक है, अब भाई ये स्क्रैम्बलिस क्या करेगा, अब जैसे ही भाई ये स्क्रैम्बलिस एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड का क्या बताया मैंने, ट्रांसलोकेशन करेगा, तो ये जो होता है लेटरल साइड मूव कर देता है। ये किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, पहली बात ये एक्टिवेट होता है आपका प्रोटीन काइनेज के थ्रू। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, जैसे स्क्रैम्बलिस एक्टिवेट हुआ ये प्रोटीन काइनेज के थ्रू, ये क्या होगा, फॉस्फोलिपिड जो एसिमेट्रिकली पड़े हुए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, और कोलैप्स होने के बाद क्या होगा, ये जो स्क्रैम्बलिस प्रोटीन है मैंने क्या बताया फॉस्फोलिपिड का ट्रांसलोकेशन करता है, ये क्या होगा लेटरल साइड मूव करवा देगा, जो आपका मेम्ब्रेन है उसको लेटरल साइड मूव करवा देगा। मैंने आपको क्या बताया था, सेमिनोलिपिड होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कवर करके रखता है, और सेमिनोलिपिड होता कहाँ है, आपके मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है, ये तो सेमिनल, जैसे ही आपके मेम्ब्रेन लेटरल साइड मूव हुई तो साथ ही साथ उसके सेमिनोलिपिड भी लेटरल साइड मूव होगा, तो अब क्या होगा, अब तो आपका कोलेस्ट्रॉल को बचाने वाला कोई नहीं रहा, तो पहले तो प्यार से एल्ब्यूमिन आएगा, प्यार से उसे ले आएगा, चल बेटा मैं तुझे घुमा के लाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तुझे। ठीक है, फिर उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल को ले जाएगा, उठा के फिर किडनैप कर लेगा उसको, भला फिसला के लेगा और किडनैप कर लेगा। अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल रिमूव होगा तो जो आपके ना ये हेड स्पर्म हेड में लिपिड के राफ्ट पड़े होते हैं, ये क्या होगा, इनका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, जो न्यूक्लियस के पोस्टीरियर साइड में पड़े हुए थे ये अब ये न्यूक्लियस के एंटीरियर साइड में आके रह जाएंगे, और इनका काम क्या होता है, इंट्रैक्शन करवाते हैं, ओवम स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन के दौरान इंट्रैक्शन करवाते हैं। ने यहाँ पे भी क्या देखा, यहाँ पे भी जो आपका एक्टिवेट था स्क्रैम्बलिस का एक्टिवेशन किसने करवाया, प्रोटीन काइनेज ने। तो ये कितना अहम है आपका प्रोटीन काइनेज कैपेसिटेशन करवाने में, है ना। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देखो, देखो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, अभी ये बाहर खड़ा है जब तक इसमें सेमिनोलिपिड इसने कोलेस्ट्रॉल को कवर कर रखा है। अब जैसे ये सेमिनोलिपिड साइड होगा तो ये एल्ब्यूमिन आएगा, कहेगा आज मेरा कोलेस्ट्रॉल, मैं तेरे को अपने साथ ले चलता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैंने बताया आपको जो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, सॉरी जो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ये जो कुछ प्रोटीन होते हैं ना जो आपके जो जोन ऑफ पाइलोसिटा से इंट्रैक्ट करेगा जो पार्ट, उसको कवर करके रखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं तुझे छुपा के रखूंगा। अब यार इन्हें हटाना तो जरूरी है यार, फर्टिलाइजेशन करवानी है, इंट्रैक्शन तो होना ही है जोन ऑफ पाइलोसिटा से, तो इन्हें तो हटाना जरूरी है। तो इन्हीं सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं, इन सबको रिमूव कर देता है या ब्लॉक कर देता है आपका स्पर्म। हमने ये सारे प्रोसेस, ये भी हो गया, तो यहाँ तक क्या हो गया, पूरा आपका कैपेसिटेशन है वो हो गया। अब देखते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द ओसाइट, ओसाइट के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे क्या क्या हो रहा होता है। सबसे पहले वहाँ पे होता है हाइपर एक्टिवेशन, ठीक है, थर्मोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस, ये तीनों चीज़ें जो है ओसाइट के विसिनिटी में हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपर एक्टिवेशन के बारे में क्या होता है। जो टायरोसिन काइनेज है वो हाइपर एक्टिवेट कर देता है आपके स्पर्म सेल को। ठीक है, कैसे करता है, कैल्शियम के हेल्प से करता है। ठीक है, हाइपर एक्टिवेटेड जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, जो अपना फ्लैजिला है उसको बहुत हाईली हाई वेलोसिटी में मूव करता है, जिससे जो है ज़्यादा फोर्स जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, थर्मोटैक्सिस होता है। थर्मोटैक्सिस में क्या होता है सोचो जरा, चलो मैं बता दे रही हूँ यार, टाइम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा जो ओविडक्ट होता है उसमें दो रीजन देखने को मिलते हैं, आप बहुत सारे रीजन होते हैं, मतलब जो एक एम्पुलर रीजन होता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, एम्पुलर रीजन से पहले कौन सा रीजन आता है, आपका इस्थमस आता है। ठीक है, तो इस्थमस और एम्पुलर रीजन में आपको 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आपका एम्पुलर रीजन है वो वार्मर होता है एज कम्पेयर टू इस्थमस। ठीक है, तो जो एबिलिटी होती है इस टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस करने के लिए वो भी उन्हीं स्पर्म के पास होगी जो कैपेसिटेटेड है। ठीक है, अगर वो कैपेसिटेटेड नहीं है तो उस डायरेक्शन को वो सेंस ही नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को सेंस ही नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तीसरा होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, जो आपके क्यूमुलस सेल होते हैं, जो जैसे आपका ओवम होता है उसके बाहर वाली जो लेयर होती है क्यूमुलस सेल से भरी हुई होती है। ठीक है, क्यूमुलस सेल क्या करते हैं, कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन का रिलीज सिक्रीशन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका कैपेसिटेटेड स्पर्म है वो अट्रैक्ट होता है और एग के टुवर्ड्स आने लगता है, मतलब। तो मेरे बच्चों अब थोड़ी बात कर लेते हैं कैपेसिटेशन की रेगुलेशन के बारे में। तो कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, उसको कोई ना कोई हार्मोन तो रेगुलेट कर ही रहा होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एसिमिलेशन हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन हो। ठीक है, तो इस कैपेसिटेशन को भी कोई ना कोई हार्मोन तो रेगुलेट करेगा ही ना। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम क्या होता है, FPP, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड्स। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग, फर्टिलाइजेशन को जो प्रमोट कर रहा है, कैसे प्रमोट कर रहा है, कैपेसिटेशन करवा के। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं होता क्या है। ये ना ट्राइपेप्टाइड चेन होती है जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में देखने को मिलते हैं, वही उनके प्रोस्टेट ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है, और वहां से सीधा ये रिलीज हो जाता है हमारे जो सेमिनल प्लाज्मा है, स्पर्म्स के बीच में जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जैसे प्लाज्मा होता है ना, साइटोप्लाज्म, सिमिलरली उनमें सेमिनल प्लाज्मा होता है, वहां पर रिलीज हो जाता है आके। अब
तुम लोग ना ये बात सुन के बड़ा कंफ्यूजन में आ गए, घबरा गए। तुम लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हो कि मैम ये बताओ, जब ये मेल्स में देखने प्रेजेंट होता है ये हार्मोन, ये जो पेप्टाइड है ये, तो ये पहले काम क्यों नहीं करता, ये मेल्स में कैपेसिटेशन क्यों नहीं करवाता है? ऐसा क्यों है कि जब इजेकुलेशन हो रहा है, जब कैपेसिटेशन हो रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया जब इसका लेवल इंक्रीज होता है, जब ये प्रिवेंट करता है कैपेसिटेशन को। तुमने बोला ओहो अच्छा, तो इसको ये कब काम करेगा? तो मैंने तुम्हें बताया जब ये इसका जो फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन है काम करने के लिए, कैपेसिटेशन करवाने के लिए, इसका जो कंसंट्रेशन है वो होना चाहिए 50 to 100 नैनोमोल पर लीटर, पर लीटर होना चाहिए, जब भी ये जाके आपका कैपेसिटेशन करवाएगा। अदरवाइज ये कह देगा भाई मैं कैपेसिटेशन नहीं करवाऊंगा, उसका अमाउंट ज्यादा है, वो बोलेगा भाई मेरे बंदे ज्यादा है, यहाँ पे मेरी बात चलेगी, तो मैं कैपेसिटेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही इजेकुलेशन हुआ, इजेकुलेशन के बाद क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है वहां पे तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आके तो देगा नहीं हमारे एफपीपी को, लो भाई लो लो लो, है ना। तो वहां से तो भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जितना भी एफपीपी बना है अब उसे, उस जो स्पर्म रिलीज हुआ है इजेकुलेटेड स्पर्म, उसको तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब ये जो इजेकुलेशन वाला जो सेमिनल प्लाज्मा है ये एंट्री होता है वजाइना में, तो वजाइनल फ्लूड होता है वहां पे, तो इसका जो एफपीपी कंसंट्रेशन है वो वहीं से ड्रॉप हो जाता है। कैसे होता है, जो वजाइनल फ्लूड से मिल गया, अब ये तो वजाइनल फ्लूड का अड्डा है, अब वो बोला भाई यहाँ पे तो मेरी चली, हम तो कैपेसिटेशन करवा के रहेंगे स्पर्म्स, तुम्हें रोकना तो तुम रोक के दिखाओ। एफपीपी कहता है, सिलेंडर कर देता है, कहता है नहीं भाई मेरे तो यहाँ पे ज्यादा बंदे ही नहीं है, मैं तो यार रोक ही नहीं पाऊंगा, तो तुम करवा दो कैपेसिटेशन। वहां क्या होता है, इसका जो कंसंट्रेशन है वजाइना में आके, वो कंसंट्रेशन भी ड्रॉप हो जाता है और ये लेस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटेशन हो जाता है यार। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर में मैंने ट्रांसलोकेशन और कैपेसिटेशन आपको बता दिया, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जैसे अगर कुछ समझ नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है कमेंट सेक्शन आपका यार, मुझसे पूछो जो पूछना है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।